पढ़ना है कौन सा टॉपिक, इसके बाद मोड ऑफ नॉर्मल एक्शन के बारे में बात करेंगे, मोड ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी हार्मोन जो मैंने अभी आपको बताया है इनका काम करने का तरीका क्या है। ये तो हमने कह दिया कि टारगेट सेल पर अटैच हो गए और टारगेट सेल पर इफेक्ट डालेंगे, मगर इफेक्ट किस तरीके से डालेंगे। तो आपकी बुक कहती है कि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स ट्रिगर चेंज इन टारगेट सेल, यानी हार्मोन ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसको, टारगेट सेल ट्रिगर करते हैं किसको, चेंज ट्रिगर करते हैं, तब्दीली लेकर आते हैं किसके अंदर, इन द टारगेट सेल, जो टारगेट सेल हैं जिस पर उन्होंने काम करना है उनके अंदर तब्दीली लेकर आते हैं, बाय वन ऑफ टू जनरल मैकेनिज्म, यानी दो जनरल मैकेनिज्म हैं, उनमें से कोई एक मैकेनिज्म इस्तेमाल कर, दो जनरल मैकेनिज्म है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उन दो जनरल मैकेनिज्म में से किसी एक मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके हार्मोन क्या करते हैं, आप चेंज लेकर आते हैं किसके अंदर, अपने टारगेट सेल के अंदर। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये जनरल मैकेनिज्म के इन्होंने कौन सा मैकेनिज्म ले इस्तेमाल करना है, पहला या दूसरा, तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन दियर केमिकल नेचर, ये डिपेंड करता है उनकी केमिकल नेचर पे, तो उन्होंने कौन से मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म है, उन दो मैकेनिज्म में से उन्होंने कौन से मैकेनिज्म को जो है वो अख्तियार करना है ट्रिगर करने के लिए, ये डिपेंड करता है उनकी केमिकल नेचर। और अगर हम केमिकल नेचर के हवाले से हार्मोन्स को कैटेगराइज करें, तो उनको दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, पोलर होते हैं और वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और दूसरे होते हैं लिपोफिलिक जो कि नॉन पोलर होते हैं, मतलब वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होते लेकिन किस में सॉल्युबल हो जाते हैं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं लिपिड्स के अंदर। अब हाइड्रोफिलिक पोलर में कौन कौन से आ जाते हैं, इनमें आ जाते हैं प्रोटीन, कौन से वाले हार्मोन्स आ जाते हैं, प्रोटीन हार्मोन, मैंने आपको हार्मोन बताए थे, पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीन हार्मोन, तो मैं दोनों को एक साथ समझ लें, जब मैं प्रोटीन हार्मोन की बात कर रहा हूँ तो दोनों की बात कर रहा हूँ, पेप्टाइड हार्मोन की बात भी कर रहा हूँ और प्रोटीन हार्मोन की बात भी कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड के बने हुए जो हार्मोन्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, वो भी किस में आते हैं, प्रोटीन हाइड्रोफिलिक में, सिर्फ एक को छोड़कर, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है, सही है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं T3 और T4, उनको छोड़कर बाकी जितने भी जो है वो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड यानी अमाइनो एसिड से ड्राइव करने जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब क्या हैं, वो सब हाइड्रोफिलिक हैं। और लिपोफिलिक जो नॉन पोलर होते हैं उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, उनमें आ जाते हैं स्टेरॉइड्स जो कि कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, और दूसरे कौन से वाले हार्मोन, थायराइड हार्मोन इनके अंदर आ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन दो हार्मोन्स के, कि सबसे पहले हाइड्रोफिलिक यानी पोलर जो होते हैं हार्मोन, जो प्रोटीन है बेसिकली, वो किस तरह से काम करते हैं, और दूसरा फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसको, लिपोफिलिक यानी जो स्टेरॉइड्स हैं या थायराइड जो हार्मोन है वो किस तरीके से अपना इफेक्ट जो है वो डालते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं किससे, स्टार्ट सबसे पहले लेते हैं किस कौन से हार्मोन से, प्रोटीन हार्मोन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रोटीन हार्मोन। और आपको पता है कि जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं ये कैसे हार्मोन है, ये हाइड्रोफिलिक, सबसे पहले इन हार्मोन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक हैं, पोलर हैं, तो जाहिर सी बात है पानी में क्या होंगे, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, लिपिड, लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। अब मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर ये हमारी ब्लड वेसल है, मिसाल के तौर पे ब्लड है, और ये जो है वो क्या है, एक सेल, ब्लड से जो है वो हार्मोन किस तरफ आएंगे, सेल की तरफ आएंगे, और ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो बनी होती है लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की, इसमें क्या होते हैं ये, फॉस्फोलिपिड,
जो चीज लिक्विड में सॉल्यूबल है वो तो गुजर जाएगी इस हमारी सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन जो चीज लिक्विड में सॉल्यूबल नहीं है वो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजरेगी। तो इसका मतलब ये जो प्रोटीन हार्मोन है, ये प्रोटीन हार्मोन जब ये ब्लड से आएंगे कहाँ की तरफ, आपके सेल्स की तरफ, तो ये जो है वो किससे नहीं गुजर पाएंगे, कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। और उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है क्योंकि ये फैट में इंसॉल्युबल है, लिपिड में इंसॉल्युबल है। जब लिपिड में इंसॉल्युबल है तो ये जो भी चीज लिपिड में इंसॉल्युबल होती है वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो यही वजह है कि इनके रिसेप्टर सेल के अंदर नहीं होते, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट, इनके रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं इन हार्मोन्स के, रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ टारगेट सेल, ऑन आउटर सरफेस ऑफ टारगेट। अब अगर ये टारगेट सेल है, इसका आउटर सरफेस, आउटर सरफेस का मतलब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। अब इसके रिसेप्टर कहाँ मौजूद होंगे, आउटर सरफेस ऑफ टारगेट सेल। चलिए मैं बना देता हूँ इसका रिसेप्टर, ब्लू कलर से मैंने इसका ये रिसेप्टर बना दिया। तो इसका रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, आउटर सरफेस ऑफ टारगेट सेल, टारगेट सेल के जो है वो आउटर सरफेस पे इसका रिसेप्टर जो है वो मौजूद है। अच्छा, इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक एक रिएक्शन है उसको काफी लंबे अरसे तक चलता रहेगा वो रिएक्शन जो ये कराएंगे, नहीं, इनको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार इनको बार बार जो है ना वो आकर अटैच होना पड़ रहा होता है, बार बार जो है वो रिएक्शन को जो है वो रिपीट कराना पड़ता है, यानी इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। इनको बार बार उसको क्या कराना पड़ेगा, उस रिएक्शन को जो है वो रिपीट कराने के लिए बार बार इन हार्मोन्स को आकर क्या होना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और यहाँ पर जो है वो, अब इसका चलें देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो, चलिए ऊपर वाली जो मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, पहले मैं इन कैरेक्टरिस्टिक को जो मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ ताकि मैं सिर्फ इसके जो है वो किस तरह से ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, किस तरह से चेंज लेकर आते हैं सेल के अंदर, इसके मेथड को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रोटीन हार्मोन है, यहाँ पर जो ये हार्मोन है, और इस हार्मोन को मैं यहाँ पर प्राइमरी मैसेंजर कहूँगा। अभी आगे बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ, ये प्रोटीन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मैसेंजर। सबसे पहले ये प्रोटीन हार्मोन या प्राइमरी मैसेंजर बाइंड होते हैं किसके साथ, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। तो आप देख सकते हैं ये ब्लड के से ये हार्मोन आया, और ये हार्मोन किसके साथ बाइंड होगा, इस स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाकर क्या हो गया, बाइंड। अब जैसे ये इसके साथ बाइंड होता है, जाहिर सी बात है जब रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड हुआ तो इसकी शेप ऑफ रिसेप्टर अल्टर, यानी शेप ऑफ रिसेप्टर अल्टर, रिसेप्टर की शेप में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और जब शेप ऑफ रिसेप्टर जैसे ही अल्टर होगी, यानी जैसे ही उसके साथ रिसेप्टर के साथ एक हार्मोन आकर अटैच हुआ, जैसे इसकी शेप रिसेप्टर चेंज हुई, तो उससे क्या होगा, एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, के साथ क्या एक्टिवेट हो जाएगा, एक एंजाइम जो सेल में मौजूद है, इसके नीचे ही मिसाल के तौर पे ये एक एंजाइम मौजूद है, और इस एंजाइम को मैं कह रहा हूँ एडिनेल, इस एंजाइम को कहते हैं एडिनेलेट साइक्लेज। ये देखें ये एंजाइम है, इसको क्या कह रहे हैं, ये है एंजाइम है एडिनिलेट साइक्लेज, ये एंजाइम क्या हो जाएगा, ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, यानी ये जो रिएक्शन चला है पूरा पूरा एक कंटिन्यू एक रिएक्शन होते हैं, यानी एक रिएक्शन के बाद दूसरा होता है, दूसरे रिएक्शन के बाद तीसरा होता है, इसको कहते हैं कैस्केड, एक रिएक्शन के बाद दूसरा होगा, ये इस तरीके से रिएक्शन बकायदा चलते हैं। जैसे ही ये एंजाइम एक्टिव होगा तो ये एंजाइम क्या करेगा, कैटलाइज करेगा एक रिएक्शन, और उसमें ये एंजाइम करेगा क्या, उस कैटलाइज रिएक्शन में एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट को कन्वर्ट कर देगा, इसमें चेंज कर देगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफोस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफोस्फेट। आपको पता है एटीपी
एडिनोसिन, मोनोफोस्फेट, ये सब क्या है? ये सब न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड, मोनो न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड पर कंसिस्ट करते हैं। तो अब इसने क्या किया, इस एडिनिलेट साइक्लेज ने एटीपी को साइक्लिक एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? साइक्लिक एडिनोसिन जो है वो मोनो फॉस्फेट में जो है वो साइक्लिक एडिनोसिन एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। साइक्लिक एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। क्या बन गया? ये बन गया साइक्लिक एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट। अब क्या करेगा ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफोस्फेट? सिग्नल देगा किसको? टारगेट से। कैसे सिग्नल देता है? मिसाल के तौर पे ये इनएक्टिव था, या जब एक्टिव हो जाएगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफोस्फेट तो ये क्या करेगा, दूसरे एंजाइम्स को एक्टिव कर देगा। जैसे काइनेसिस एंजाइम, काइनेसिस एंजाइम को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। इसके टारगेट सेल के कुछ एंजाइम्स को एक्टिव करेगा, और जब वो एंजाइम्स को एक्टिव करेगा तो वो टारगेट सेल फिर अपना रिएक्ट करेगा। टारगेट सेल फिर इसको क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इन टू डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीकों से रिएक्ट करेगा। मतलब अब टारगेट सेल क्या कर सकता है, टारगेट सेल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ये एक ऐसा हार्मोन आया है जिसका काम ये है कि वो सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस कराना है, तो क्या होगा, ये जो टारगेट सेल है इसको जो एंजाइम्स होंगे, एंजाइम जाकर इसके न्यूक्लियस के अंदर जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, जो क्या कहना चाहिए, आरएनए बनाते हैं, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। तो सेल जो है उसमें फिर क्या होंगे, रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से रिएक्शन शुरू हो सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो सकता है, या परमीएबिलिटी बढ़ सकती है सेल की। जैसे अगर ये इंसुलिन का हार्मोन है तो ग्लूकोज की परमीएबिलिटी बढ़ जाएगी सेल के अंदर, सेल में ग्लूकोज ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन है तो क्या करेगा, सेल में माइटोसिस तेज करा देगा, सेल की डेवलपमेंट भी करा सकता है, और यहाँ पर सिक्रीशन भी करा सकता है। तो ये सारे काम हो सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो देखो इसको मैं एक दफ़ा फिर पूरा इस रिएक्शन को जो है वो रिपीट कर देता हूँ। तो इधर देख लीजिए, अब यहाँ पर जो है वो ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड है। अब ब्लड से जो है ये हार्मोन आया, प्रोटीन हार्मोन आया, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल की सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्योंकि प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है तो इस सेल मेम्ब्रेन से ये नहीं गुजर सकता। इसकी वजह क्या है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का जो ये लिपिड में, अगर लिपिड में डिजोल्व, अगर अगर लिपिड सॉल्यूबल होता तो गुजर सकता, अभी ये नहीं गुजर सकता। तो इसी वजह से इसके रिसेप्टर जो हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इसकी सेल सरफेस या इसकी सेल मेम्ब्रेन पर। जैसे ये हार्मोन जो है वो जाकर अटैच होता है किसके साथ, इस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, तो रिसेप्टर की शेप अल्टर हो जाती है। जैसे रिसेप्टर की शेप अल्टर होगी तो इसके साथ एक एंजाइम है जिसको हम कह रहे हैं एडिनिलेट साइक्लेज, ये एक्टिव हो जाएगा। अब जब एडिनिलेट साइक्लेज एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, ये काम करेगा कि वो एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। अब ये साइक्लिक, ये इस वक्त मैं हार्मोन को कह रहा था प्राइमरी मैसेंजर, अब ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को मैं क्या कहूंगा, सेकेंडरी मैसेंजर। हार्मोन ने पहले एक्टिव किया किसको, एडिनिलेट साइक्लेज को, अब ये फर्स्ट पहला मैसेंजर हो गया। अब ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना है, अब ये मजीद एंजाइम्स को आगे जो है वो क्या करेगा, उनको जो है वो एक्टिवेट करेगा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अलावा भी सेल्स में कुछ होते हैं, ग्वानिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी हो सकता है, कहीं कहीं कैल्शियम भी ये काम करते हैं, लेकिन अभी जो है वो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो आप यही याद रखें। अच्छा, उसके बाद ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करता है, सेल को सिग्नल देता है, और उसमें जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स को क्या कर देता है, एक्टिव करता है टारगेट सेल। अब वो जो टारगेट सेल में जो एंजाइम्स एक्टिव होते हैं तो टारगेट सेल फिर रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, प्रोटीन बनाकर भी रिएक्ट कर सकता है, यानी इसको हम कह रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। परमीएबिलिटी
सेल की चेंज हो सकती है, जैसे ग्लूकोज बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। माइटोसिस हो सकती है, यानी जो टारगेट सेल है वो कैसे अपने सिग्नल को रिसीव करके रिएक्ट करेगा, डिवाइड भी हो सकता है। इस सेल की डेवलपमेंट भी हो सकती है, सेल में से कुछ सिक्रीशंस भी हो सकती हैं। तो मतलब इस तरह से जो है ये सेल जो है वो रिएक्शन शो करेगा जब ये सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो सिग्नल देगा किसको, एंजाइम के जरिए टारगेट सेल को। सिंगल हार्मोन जो है एक से ज्यादा रिएक्शन भी जो है वो कर सकता है, जैसे मैंने भी आपको इंसुलिन की मिसाल दी थी कि वो एक से ज्यादा भी जो है यहाँ पर काम कर सकते। तो ये बात हो गई कौन से वाले हार्मोन की, ये हमने बात कर ली जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रोटीन हार्मोन की। सही नहीं, बात हमने किसकी करी, प्रोटीन हार्मोन की। अब हम आ जाते हैं कौन से वाले हार्मोन की तरफ, अब हम आ जाते हैं स्टेरॉइड हार्मोन की तरफ। अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेरॉइड हार्मोन। अच्छा, अब इधर क्या होता है, ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है आपको पता है क्या है, ये है लिपो। स्टेरॉइड हार्मोन में दो हार्मोन आ जाएंगे, इसकी एग्जांपल में एक तो आ जाएगा नॉर्मली जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, एस्ट्रोजिन आ जाता है, जितने भी लिपिड से बने हुए हार्मोन है वो सब स्टेरॉइड हार्मोन है। लेकिन एक हार्मोन ऐसा है जो लिपिड से बना हुआ नहीं है, जिनको हम कह रहे हैं थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन की जो केमिकल नेचर कुछ ऐसी होती है कि वो लिपिड से गुजर जाए, तो वो भी कौन से हार्मोन में आ जाता है, वो भी लिपोफिलिक हार्मोन के अंदर आ जाता है। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो ये लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन क्या है, ये लिपिड सॉल्युबल। अगर लिपिड सॉल्युबल है तो इसका मतलब किससे डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूज इन। तो जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर जो है वो ये ब्लड से जब ये हार्मोन आएंगे, ये सेल, ये हमारा सेल है मिसाल के तौर पे, ये सेल है। अब ब्लड से हार्मोन आया और क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये सेल से, सेल मेम्ब्रेन से गुजर गया। जब ये सेल मेम्ब्रेन से गुजर गया तो बाइंड टू रिसेप्टर इन सेल। अब ये जो बाइंड होगा, बाइंड टू रिसेप्टर इन सेल, यानी अब ये जो बाइंड होगा वो कहाँ बाइंड होगा, सेल के अंदर रिसेप्टर होगा। अब ये सेल के अंदर जो रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, और ये रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर हो सकता है, ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है। और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, ये डीएनए जो है वो मौजूद। तो अब क्या होगा, ये जो हार्मोन होगा स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो किसके साथ बाइंड हो गया, ये बाइंड हो गया इस रिसेप्टर के साथ जो है वो क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब ये क्या करेगा, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, किसका कॉम्प्लेक्स बन गया, रिसेप्टर और हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन जो है वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये जाएगा किसकी तरफ, ये चला जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर ये स्पेसिफिक जो जीन्स होंगे उनको एक्टिव कर देगा। न्यूक्लियस के अंदर जाकर क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक जीन्स को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। मिसाल के तौर पे ये कोई खास प्रोटीन बनाने के लिए, इस सेल को जो है वो खास किस्म का क्या बनाना है, अगर प्रोटीन बनाना है तो ये जाकर उन जीन्स को एक्टिव, वो प्रोटीन बनाने वाले जीन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और वो क्या करेंगे, वो जीन जो है वो प्रोटीन या वो एंजाइम बनाना शुरू कर देंगे। आपने देखा था प्रोटीन हार्मोन में जो है वो डायरेक्ट जाकर जो है वो क्या किया था, डायरेक्ट जाकर जो है वो हार्मोन एंजाइम्स को जो है वो एक्टिव कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो ये स्टेरॉइड जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली जो है वो पहले कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है पहले इसके अंदर, वो पहले जा रहा है इसमें जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर जीन को क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है। जैसे आपकी बुक कह रही है दीज हार्मोन बाइंड टू प्रोटीन रिसेप्टर इन द न्यूक्लियस, अब आपकी बुक कह रही है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी ये प्रोटीन रिसेप्टर हो सकते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकते हैं। तो चलो मैं इसको जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही बना देता हूँ इस प्रोटीन रिसेप्टर को, जैसे आपकी बुक कह रही है। तो ये जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटीन रिसेप्टर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, जिसके साथ ये हार्मोन जाकर क्या हो गया, बाइंड हो गया, ये हो गया बाइंड। अब इसके साथ बाइंड होने के बाद रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बाइंड टू डीएनए,
एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब ये जो है वो जाकर इस जीन के साथ बाइंड होगा और इस जीन को जो है वो मैसेज देगा, और वो क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जाएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम क्या बना कर दे देगा, प्रोटीन या एंजाइम बना कर दे देगा। तो ये जो मैसेंजर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने के प्रोसेस को आपको पता है हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। द मैसेंजर आरएनए देन मूव टू द साइटोप्लाज्म एंड डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन। अब यहाँ पर न्यू प्रोटीन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास एस्ट्रोजीन है, एस्ट्रोजीन जो है वो कौन सा वाला हार्मोन है, वो बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन है। अब एस्ट्रोजीन जब जाएगा हमारी ओवरीज के पास, तो वहां पर जब वो जाएगा तो वहाँ न्यूक्लियस के अंदर जाकर उन जीन्स को एक्टिव करेगा जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या कहते हैं, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है स्टेरॉइड हार्मोन को काम करने में ना, दिन भी लग सकते हैं कई, और इसको जो है कुछ मिनट्स भी लग सकते हैं, जैसे यूट्रस की वॉल को रिपेयर होने में काफी दिन लग जाते हैं ना, टाइम लग जाता है थोड़ा। तो अब यही इसी तरीके से जब ये वो जो प्रोटीन है वो डायरेक्ट सेल के अंदर मौजूद नहीं होगा, स्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं, वो उस प्रोटीन को पहले जो है वो उसकी सिंथेसिस करवाते हैं, सही ना, उसकी क्या करवाते हैं, सिंथेसिस करवाते हैं। तो इस वजह से टाइम क्या लग जाता है, ज्यादा लगता है कि इसके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन के काम करने। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में जो बात की, एक तो दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, ये स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो डायरेक्ट सेल को क्रॉस करके सेल के अंदर चला जाता है। अब सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, न्यूक्लियस में इसके रिसेप्टर मौजूद हैं, ये जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, फिर एंजाइम और ये जो हार्मोन और रिसेप्टर हैं कॉम्प्लेक्स से, ये जाकर डीएनए के अंदर जीन जो है उसको एक्टिव करेगा, जीन जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम प्रोटीन या एंजाइम बनाएगा, एंजाइम अपना काम करेगा। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करें, टाइम खत्म होने वाला है क्लास का, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन